नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नौवां उदाहरण कि कोई प्रणालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है, त्रिज्या 1 सेमी है, जिसमें 500 फेरे हैं, इसमें 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? देखिए, हम प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई ज्ञात कर लेते हैं, हमने थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दे रखा है? लंबाई हमें दे रखी है 0.5 मीटर, ओके। रेडियस हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। फेरों की संख्या कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 500, और जो धारा है वो हमें दे रखी है 5 एम्पियर। तो देखिए, यहाँ से L और R की वैल्यू से स्पष्ट हो जाता है कि जो प्रणालिका है उसकी लंबाई अधिक है, त्रिज्या कम है, और लंबी प्रणालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है B बराबर म्यू जीरो एन आई के इक्वल होती है। इसे हम म्यू जीरो कैपिटल एन स्मॉल एन के स्थान पर कैपिटल एन बट्टे में एल पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिल जाएगा? सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4π × 10⁻⁷, कैपिटल एन का मान है 500, आई का जो मान है वो है 5, एल की जो वैल्यू है वो हमें 0.5 दे रखी है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो लगा देंगे ऊपर, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब देखिए, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20π हो गया, गुणा 10⁻⁷, और ये प्लस में 3 घाते यहां पर पड़ी है तो प्लस में 3, तो 2π 6.28 × 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। क्लियर? तो ये था नोवा एग्जाम्पल।